हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी तरफ से आपके तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर वन, अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर वन। अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो आप चुनेंगे पाइल नंबर टू। हमेशा की तरह हम शुरू में मेजर अरकाना से देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के लाइफ में, क्या मेजर डिसीजन उनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ गाइडेंस लेंगे और आने वाले टाइम में करंट एनर्जी के साथ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो पाइल टू का टाइम डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जा सकते हैं। पाइल वन से हम रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है, करंट एनर्जी। मेजर अरकाना से प्लीज गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर वन ए से एम, क्या मेजर चल रहा है पाइल नंबर वन के पार्टनर्स की लाइफ में। ओके, पहला कार्ड है द एम्परर। द फूल, जस्टिस, द स्टार, टेम्परेंस। एक जर्नी में हैं आप लोग, टफ़ जर्नी है, काफ़ी कुछ आपने देखा है, सीखा है इस जर्नी में, काफ़ी लाइफ लेसन्स आपने सीखे हैं इस जर्नी में। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में से कई लोग, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों में डिफरेंस हो, डिस्टेंस हो। डिफरेंस इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है। हो सकता है कि आप दोनों में कास्ट डिफरेंस हो, या रिलीजन अलग हो, या स्टेटस डिफरेंस हो, या एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पे पहला कार्ड एम्परर का आया है। साथ ही साथ आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। अभी तक वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते थे, प्रैक्टिकल सोचते थे, लेकिन आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो द फूल की एनर्जी में आने वाले हैं। वो इमोशनल सोचने वाले हैं आपको लेकर, आपकी तरफ कोई नेक्स्ट एक्शन वो लेना चाहते हैं, बोल्डली स्टेप लेना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको। इस कनेक्शन में आपकी विश पूरी हो सकती है। सिचुएशन में बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है आपके पार्टनर की तरफ से। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर आपके साथ ब्रेकअप सिचुएशन है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो एक नया जेस्चर, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे सिचुएशन दिख रही है। जस्टिस का कार्ड आया है जो ये भी दिखा रहा है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं या आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, यहाँ पे कोर्ट का कोई मैटर हो सकता है। हो सकता है लीगल सिचुएशन कुछ आपको गुजरना पड़े आने वाले टाइम में। सो ये मेजर अरकाना हमें बता रहे हैं। साथ ही साथ किसी की हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती हैं। हो सकता है आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में किसी तरह की हेल्थ इश्यूज़ हों, मे बी पेरेंट्स की या इनकी खुद की। देखते हैं कुछ गाइडेंस और फिर करंट एनर्जी चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर वन के लिए पहला गाइडेंस आ चुका है। लिव योर ब्लिस, अपनी हैप्पीनेस में रहिए, खुश रहिए। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू, आप जो सोचते हैं वो आपके लिए सही होता है, सही निकल जाता है। चूज़ लव ओवर फियर, आपके लिए गाइडेंस है, प्यार को चूज़ करिए, डरिए नहीं, डर से ऊपर बढ़िए, आगे बढ़िए। दूसरा कार्ड है हमारे पास सोल जर्नी। सोल जर्नी से हम देखते हैं पाइल नंबर वन के लिए ये गाइडेंस आ रहा है। एम्पैथ, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। काफ़ी ज़्यादा एम्पैथ हैं आप इस टाइम, सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं आप बाय नेचर, भले आप कितना भी स्ट्रिक्ट दिखाएं खुद को, रूड दिखाएं, लेकिन आप किसी का बुरा कभी नहीं कर सकते।
इमेजिनेशन, इस समय आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं, अपने माइंड को क्रिएटिव आइडियाज़ में लगा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन में लगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखते हैं पावर ऑफ लव से क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं आपके लिए। एक्सप्रेशन, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर एक्सप्रेसिव ना हो, आप वेट कर रहे हैं कि वो कब कुछ कहें आपसे, कन्फेस करें अपनी फीलिंग्स। जॉय, किसी तरह की हैप्पीनेस, किसी तरह का सेलिब्रेशन आपको खुश रख सकता है, आपको खुश रहने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। अपने आप को थोड़ा चिल आउट करें, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। देखते हैं मूनोलॉजी से ये दो कार्ड्स आना चाह रहे हैं, तीन कार्ड्स हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने आपको पहले ही मेजर अरकाना देख के बता दिया था कि एक टफ साइकिल, एक टफ जर्नी में आप हैं और जो कि एंड होने वाली है, और यहाँ से कार्ड भी आ गया। फुल मून इन कैप्रिकॉन, हो सकता है आप या आपके पार्टनर में से कोई मकर राशि हो, कैप्रिकॉन। देन है हमारे पास शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। दुनिया को दिखाइए आपकी असली काबिलियत, कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, पॉजिटिव रह के, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के। फुल मून इन एक्वेरियस, हो सकता है कुंभ राशि हो आपकी या आपके पार्टनर की। एंड लास्ट में है टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। हो सकता है आप या आपके पार्टनर की वृषभ राशि हो, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट मिलने वाली है। तो ये थी आज की गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, देखते हैं करंट एनर्जी में क्या निकल कर आता है आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पाइल नंबर 1 के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है। करंट सिचुएशन, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स विद नाइट ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी ज़्यादा है बॉटम में। फाइनेंशियल रीज़न आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर और आपके बीच में आ रहा है, और दूसरा यहाँ पे स्लो एनर्जी है, काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और पहला ही कार्ड वेटिंग एनर्जी का आ गया है, थ्री ऑफ वैंड्स। इंतज़ार कर रहे हैं, एक एक स्टेप आपके पार्टनर आपकी तरफ ले रहे हैं, बहुत स्लो हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। मेजर अरकाना से द एम्परर का कार्ड आया था, एरीज एनर्जी, और यहाँ से भी द एम्परर का कार्ड आया है। ज़्यादातर लोगों के पार्टनर या तो मैरिड हो सकते हैं या तो पेरेंट्स इशू के वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे दिख रही है मुझे। द हेरोफेंट, द मजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी है, फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, डेथ, एट ऑफ वैंड्स। मैसेज आने वाला है गाइज, आपको कॉल या मैसेज रिसीव हो सकता है, आपके पार्टनर कुछ बताना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, सक्सेस चाहते हैं आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं। थ्री ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड द स्टार, बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साइंस सभी हैं, मैं अलग से साइंस नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑल साइंस यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के लाइफ में, या तो आपके पार्टनर मैरिड हैं, वहाँ पे खुश नहीं हैं, वहाँ उन्हीं की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन है, एंड हुआ है आप दोनों का रिलेशनशिप, क्योंकि उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है।
दूसरी तरफ पेरेंट्स थर्ड पार्टी हैं, पेरेंट्स के वजह से भी यहाँ पे काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप प्रॉब्लम में आया हुआ है। हो सकता है पेरेंट्स ट्रेडिशनल वे में शादी कराना चाहते हैं और आप लोग हैं जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं, भले पेरेंट्स की मर्ज़ी से करें बट लव मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है थर्ड पार्टी सिचुएशन के, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी की वजह से आप में ब्रेकअप तो हो गया है, नो कॉन्टैक्ट हो गया है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। आप में से कई लोग, इवन मेरे व्यूअर्स में से भी कई लोग ऐसे हैं जो कि मैरिड हैं ऑलरेडी किसी के साथ, लेकिन वहाँ खुश नहीं हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट में है या बातचीत नहीं हो रही है तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट है। ये मुझे द मून का कार्ड बता रहा है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपसे मूव ऑन कर लिया है तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, यहाँ पे आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सोल कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट जर्नी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, यहाँ पे उस सिचुएशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं उस सिचुएशन को और आपकी तरफ सक्सेसफुली बढ़ना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे किंग एंड क्वीन की एनर्जी आई है। अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो भी इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए, अगर आपकी पार्टनर फीमेल हैं तो भी इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं एक दूसरे के लिए, आप दोनों के इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पे मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, पूरी हो सकती है, यहाँ पे पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं। फैमिली इश्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, किसी भी तरह से आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। द स्टार का कार्ड है यहाँ पे, पूरी होप है कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और उन्होंने होप नहीं हारी है, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में कि क्या वो आपकी तरफ थर्ड पार्टी से निकलकर बढ़ेंगे, और अगर बढ़ेंगे तो कब तक बढ़ सकते हैं, कितना वक्त लग सकता है, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर वन के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? पाइल नंबर वन ए से एम, नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर वन के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, यहाँ दो कार्ड्स आए हैं, टावर, बॉटम से है इमोशनल लॉस विद मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके लाइफ में है तो दो सिचुएशन में से किसी एक को ये फाइनली चूज करने वाले हैं बहुत जल्द। नंबर सिक्स थर्ड आई चक्र, नंबर नाइन नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, टावर। डेविल और टावर साथ में आए हैं डियर, डेविल के साथ टावर का कार्ड आया है। अगर ये खुद डेविल एनर्जी में थे तो इनके लाइफ में किसी तरह का ब्रेक थ्रू आने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे डेथ का भी कार्ड आया है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर के लाइफ में आने वाला है। अगर ये कार्मिक सिचुएशन में है, किसी के साथ हैं या फैमिली कार्मिक है जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे किसी तरह का ब्रेक थ्रू आने वाला है आपके पार्टनर्स की लाइफ में और उसके बाद आपका रीयूनियन होगा। यहाँ पे आपके लिए नाइन नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ डबल नाइन एंड डबल टू आया है। सो कुछ लोगों के लिए 2 hours 2 days 2 weeks, कुछ लोगों के लिए 9 hours 9 days, ज़्यादा से ज़्यादा 9 weeks। कोई थर्ड पार्टी में ब्रेकअप आ सकता है, टावर मोमेंट आ सकता है, तभी आपका रीयूनियन होगा। बिना इस टावर मोमेंट के आपका रीयूनियन पॉसिबल नहीं है, ये टावर मोमेंट ज़रूरी है तभी आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे। सो इस डेविल एनर्जी से आपके पार्टनर निकलने वाले हैं, सिंगल एनर्जी में आने वाले हैं,
पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट होने वाले हैं। अगर ये पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे या फिर ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट थे, थर्ड पार्टी कंट्रोल में थे, तो ये वहाँ से निकलने वाले हैं। अगेन नंबर 9, यहाँ 999 आया है, 999। सो डेफिनेटली 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ लोगों के लिए 22 आया है, सो 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यू ऑफ यू। सो रीयूनियन आपका डेफिनेटली होना है, आप दोनों का रीयूनियन निश्चित है, लेकिन उसके पहले ये मेजर ब्रेक थ्रू इनकी एनर्जी में निकल कर आया है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आप लोगों को, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ काम कर रही है। देखते हैं एंजल गाइडेंस, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। फाइल नंबर 1, सक्सेस, लिसन टू योर इंट्यूशन इन द नियर फ्यूचर। यहाँ पे मैं बता दूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि होप हार चुके हैं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप खुद होप हार रहे हैं तो आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको होप है, अगर आपको अपने रिलेशनशिप पे भरोसा है, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है इन द नियर फ्यूचर। डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी इन द नियर फ्यूचर, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी सक्सेस मिल सकती है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। पहला मैसेज है थर्ड पार्टी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इशू हो। दूसरा कार्ड है सोल आर कनेक्टेड, आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड हैं। आई मिस यू, वो आपको मिस कर रहे हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है। आपके ड्रीम्स बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि वो ड्रीम्स आपके पूरे हो सकें। एंजल नंबर 1010, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को 1010 दिख रहा हो। 1010 रिप्रेजेंट कम्प्लीशन, आपके लाइफ में कुछ कंप्लीट होने वाला है, कोई टफ जर्नी ख़त्म होने वाली है, कुछ बिगिनिंग होने वाला है, न्यू बिगिनिंग होने वाला है। 1010 रिप्रेजेंट कम्प्लीशन, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में। लास्ट मैसेज है आपके लिए, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, हो सकता है आप बहुत ही खूबसूरत हो मेरे व्यूअर्स। सो ये थी पाइल नंबर 1 की करंट सिचुएशन। अगर आपकी करंट सिचुएशन इस रीडिंग से रेजोनेट हुई हो, आपको गाइडेंस मिली हो, कमेंट ज़रूर करें, मेरे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 एन से जेड का पाइल चूज़ किया है, अब मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। देखते हैं आपके पार्टनर का मेजर अरकाना से क्या मेजर डिसीजन आपकी तरफ हो सकता है, साथ ही साथ करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, और लास्ट में हम लेंगे एंजल गाइडेंस विद मैसेजेस। सो शुरू करते हैं सबसे पहले मेजर अरकाना से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। फाइल नंबर 2, एन से जेड, पहला कार्ड है आपके लिए जस्टिस, लिब्रा एनर्जी, फिर है द एम्प्रेस एरीज, द हर्मिट। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके पार्टनर्स का किसी तरीके का, यस, मेरे बोलते ही डेथ का कार्ड आ गया। डेफिनेटली आपके पार्टनर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसी तरह का ब्रेक थ्रू आया है इनके लाइफ में, किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और बॉटम से है हमारे पास द चैरियट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, द हेरोफेंट।
शादी को लेकर कुछ बड़ा डिसीजन ये लेने वाले हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो लीगली बाहर आना चाहते हैं उस सिचुएशन से। अगर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पे किसी तरह का ब्रेक थ्रू, किसी तरह का टावर मोमेंट आने वाला है पाइल नंबर 2 के लाइफ में, पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स की लाइफ में। अगर किसी तरह की एडिक्शन में थे, किसी तरह की बुरी हैबिट्स थी, तो यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। चेंजेस आएंगे इनके बिहेवियर में। आप जब इनसे बात करेंगे आने वाले टाइम में तो आपको इनके अंदर काफ़ी चेंजेस दिखेंगे। इनका ईगो आपको नहीं दिखेगा, इनका एटीट्यूड आपको नहीं दिखेगा। बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत पोलाइट, रिस्पेक्ट करना सीखेंगे ये आपकी, जो कि ये पहले नहीं करते थे। इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है। चैरियट का कार्ड है यहाँ पे। कोई डिसीजन, बड़ा डिसीजन यहाँ पे होने वाला है शादी को लेकर। सो ये इनका मेजर डिसीजन है, और जो भी डिसीजन है यहाँ कर्मा से रिलेटेड है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक आपके साथ है, ये डेस्टाइंड हो रहा है, जो भी हो रहा है ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है। देखते हैं गाइडेंस और फिर करंट एनर्जी चेक करते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। आस्क फॉर गाइडेंस। अगर आपको लगता है आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, ज़रूर लें। मैं तो देती हूँ, अगर और किसी की भी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर लें गाइडेंस। बी ऑफ सर्विस, अपने सोल पर्पस पे ध्यान दें बहुत ज़्यादा। और लास्ट कार्ड है योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू। आप जो सोचते हैं, जो आपका बिलीफ है, वो आपके लिए बहुत सही है। तो अपने, अगर आपने बिलीफ बनाया है एंजल्स पे, अगर आपने बिलीफ बनाया है यूनिवर्स पे, अगर आपने बिलीफ बनाया है मैनिफेस्टेशन पे, तो वो आप सही कर रहे हैं। उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट बहुत जल्द दिखेगा। देखते हैं सोल जर्नी से क्या गाइडेंस आता है। ग्रीफ, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। अगर आपने पास्ट में या रिसेंटली किसी को खोया है तो आपको उससे सैड नहीं होना है, उससे एक्सपीरियंस लेना है लाइफ में, ठीक है। आपको अपने लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंसेस आपने देखे हैं, काफ़ी दुख झेले हैं, काफ़ी चीज़ों को आपने खोया है। हो सकता है काफ़ी जिन्हें आपने अपना माना उन्होंने आपको धोखा दिया या चीट किया, लेकिन उससे आपको पछताना नहीं है, उससे आपको सीख लेनी है और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। डेथ, यहाँ से भी डेथ आ गया मेजर अरकाना के बाद। डेफिनेटली किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करंट एनर्जी में भी आया मेजर अरकाना से, और यहाँ पे भी आया। बॉटम की एनर्जी है पेशेंस, पेशेंस रखिए, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। देखते हैं पावर ऑफ लव से क्या कार्ड निकल कर आता है। टॉलरेंस, आपने काफ़ी हद तक टॉलरेट करना सीखा है। पहले आप इतने ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे, लेकिन अब आपने मेडिटेशन से अपने आप को काफ़ी ग्रो किया है, काफ़ी बातों को आप इग्नोर कर जाते हैं। ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, बॉन्ड के लिए, एक मजबूती के लिए रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरत है फॉर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, आपको ट्रस्ट है अपनी इंट्यूशन पे, अपनी सोल की आवाज़ आप सुनना सीख गए हैं, अपनी इंट्यूशन पर आप बिलीव करना सीख गए हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं मूनोलॉजी से आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। पहला कार्ड आ गया हमारे पास, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। डेफिनेटली यहाँ पे आप या आपके पार्टनर में से कोई एरीज मेष राशि के हो सकते हैं, सन साइन या मून साइन में। अगेन एरीज, एरीज बहुत स्ट्रांग है। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। और बॉटम से है हमारे पास, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी, मिथुन राशि हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। आपको जिन सवालों के जवाब चाहिए, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, वो आपको मिलने वाला है यहाँ पे।
सो एक्शन आपकी तरफ होने वाला है, एक फेरी क्लाइमेक्स जो आप चाहते थे अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, वो आपको बहुत जल्द देखने मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। सो रेडी रहिए। देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, क्या कोई एनर्जी में चेंजेस आए हैं आपके पार्टनर्स के। पाइल नंबर टू, प्लीज गाइड कर एंजल्स फॉर पाइल नंबर टू करंट एनर्जीज। क्या चल रहा है पाइल नंबर टू के पार्टनर्स की लाइफ में। पहला कार्ड एंजल्स ने आपको दिया है सिक्स ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, द मून, काफ़ी सारे हैं, द डेविल, द मून, द सन, ओके, तीनों मेजर अरकाना, चौथा भी मेजर अरकाना, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि दो सिचुएशन में आपके पार्टनर अटके हुए हैं, जगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द ये वहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि टावर का कार्ड आ गया करंट एनर्जी में। यहाँ पे द सन का कार्ड है, आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। अभी हमने गाइडेंस में देखा इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और यहाँ से द सन का कार्ड आ गया है, मतलब डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन होने वाला है। सिक्स ऑफ वैंड्स विक्ट्री का कार्ड है, आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं आपके पार्टनर्स, रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। आप में से कई लोगों के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं या फिर पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ टावर मोमेंट आने वाला है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। डेविल एनर्जी, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे या किसी तरह का ईगो था उनके अंदर, या बैड हैबिट्स थी या कोई एडिक्शन था, तो यहाँ पे मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है। साथ ही साथ कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे करंट एनर्जी में आ गया है, ख़त्म होने वाली है कार्मिक सिचुएशन। आपसे अभी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आपसे थोड़ा बहुत बात करना इन्होंने शुरू कर दिया होगा क्योंकि इनको पता है कि इनके लाइफ में आगे क्या होना है, क्या करना है। कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे एंड होने वाली है, लक आपके साथ है। दो सिचुएशंस में से एक सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होगी। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं हैं आपके पार्टनर्स, अगर आपके साथ लड़ाई हुई है तो थर्ड पार्टी के साथ भी यहाँ पे लड़ाई हो रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पे आया है सिक्स ऑफ वैंड्स, वापस आने वाले हैं आपके पार्टनर्स आपके लाइफ में किसी कमिटमेंट के साथ, डेफिनेटली करंट एनर्जी यही बता रही है। साथ ही साथ कोई मेजर ब्रेक थ्रू इनके लाइफ में आने वाला है। देखते हैं पाइल नंबर टू के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपकी तरफ, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पाइल नंबर टू के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अपनी फीलिंग्स अपनी इमोशंस हाइड कर रहे हैं आपसे, स्टैंड लेना चाहते हैं। अगेन नंबर सेवन, सेवन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सेवन आवर्स सेवन डेज, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके लिए, स्टैंड लेना चाहते हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं। एट ऑफ कप्स आया है द एम्प्रेस के साथ, ये देखिए ये हैं द एम्प्रेस, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करने वाले हैं, इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं
थर्ड पार्टी सिचुएशन से, जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वहाँ से निकलने वाले हैं आपके पार्टनर। इनकी सच्चाई इनकी आंखों के सामने आ गई है, ट्रुथ का कार्ड है, राइट। यहाँ पे कपल आया है, अगर ये मैरिड हैं या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो ये वहाँ से निकल सकते हैं। जिनकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है वहाँ से आपके पार्टनर मूव ऑन करने वाले हैं, इमोशनली विड्रॉ करने वाले हैं, स्टैंड लेने वाले हैं आपके लिए। सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट है, पाइल नंबर टू के लिए। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पाइल, एक कार्ड यहाँ पे पलटा हुआ है। पाइल नंबर टू के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। बी असर्टिव, आस्क योर एंजल्स, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड अबंडेंस। पॉजिटिव रहना है डियर, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करिए। यहाँ पे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, अबंडेंस आने वाले हैं। करंट एनर्जी में भी सन का कार्ड आया था, आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत चेंज। सो बिल्कुल रेडी रहिए, ब्रेक थ्रू डेफिनेटली आएगा, लेकिन आपके लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो वो ब्रेक थ्रू का बुरा असर आप पे पड़ सकता है। सो इस टाइम हीलिंग करिए, खुद को मैनिफेस्ट करिए, मेडिटेशन में अपना ध्यान लगाइए, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करिए। आपके लिए पहला मैसेज है एडमायर, आप दोनों एक दूसरे को बहुत एडमायर करते हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की। दूसरा कार्ड है आपके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर आप या आपके पार्टनर किसी तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, कार्मिक में हैं, तो वो वहाँ से निकलने वाले हैं बहुत जल्द। तीसरा कार्ड है आपके लिए सितंबर, हो सकता है सितंबर आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। लास्ट कार्ड है आपके लिए मदर इशू, हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में मदर इशूज़ हों या मदर इन लॉ इशूज़ हों। चीटिंग, हो सकता है किसी के पार्टनर ने उन्हें चीट किया हो, हर्ट किया हो। लास्ट कार्ड लेते हैं आपके लिए फीलिंग सैड, आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सो ये थी पाइल नंबर टू के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Thank you so much, all of you. Bye-bye.